मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 18 जुलाई सन 2021 और दिन है रविवार। आज के कार्यक्रम में आप सभी मेरे श्रोताओं का और मेरे दर्शकों का स्वागत है, उनका अभिनंदन है। मैं अपनी बात शुरू करूं, पहले ये बता दूं कि विशेषज्ञों की राय है, उनका कहना है कोरोना की संक्रमण अभी गया नहीं है, उसकी तीसरी लहर शीघ्र ही आने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया अपने घर से जब तक आपको बहुत आवश्यक न हो जब तक न निकलें, और जब भी निकलें तो आप अपने चेहरे के ऊपर मास्क अवश्य लगाएं। इसके अलावा भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचें और पूरी सतर्कता बरतें, और जैसे ही सर्दी जुकाम वगैरह जैसे कोई भी लक्षण दिखें या कोई भी बीमारी के आसार दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और घर में आराम करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि हमारे जो हम ये जो श्रीमद् भागवत गीता के छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, ये कथा बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाने का मैं हमारा थोड़ा सहयोग करें, तो इससे अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसका लाभ उनको भी मिलेगा जिनके साथ शेयर किया जाएगा, और जो शेयर करेंगे उनको भी कथा कहने का लाभ प्राप्त होगा। तो इसी में आप अभी तक हम लोग सुन चुके थे कि भगवान के कितने अवतार हैं, ये बताया गया था। और उसके बाद नारद जी को जब व्यास जी मिले थे तो वो खिन्न हृदय से बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि आपका क्या कारण है, तो उन्होंने उनको बताया था कि भागवत कृपा न है इसलिए आपकी खिन्नता है आपके ऊपर। तो इसके बाद जो था, व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि आप अपने पूर्व जन्म की कथा अगर आपको क्या याद है तो कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं एक दासी का ब्राह्मण था, दासी का बेटा था, और कुछ वेद पाठी ब्राह्मण उसको मिले थे जिससे उन्होंने पूजना और अर्चना सीखा। इसके कि आगे की कथा पे चलते हैं, तो आज की कथा में हम जो बताएंगे नारद जी के अपने पूर्व जन्म के कार्य को ही बताएंगे कि किस तरह से उनका जीवन चला। तो उन्होंने उनसे पूछा, व्यास जी ने, कि आपको पूर्व जन्म की बातें कैसे याद रहती बताइए। तो उन्होंने आगे की कथा बताने शुरू की। जब नारद जी ने बताया कि जब वो वेद पाठी ब्राह्मण, जिन ब्राह्मण के यहाँ वो काम करती थी उनकी माँ रहते थे, तो वो लोग जब चले गए तो वो सामान्य जीवन जीने लगे, वैसे ही घर में चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि वो चंचल हृदय के थे नहीं, खेलते कूदते नहीं थे लोगों के पास, लेकिन उनका मन जो था भगवान में रम चुका था, इसलिए वो भगवान का भजन पूजन उसी प्रकार से करने लगे थे। उनकी माँ एक तो स्त्री थी, स्त्रियाँ उस समय पढ़ी लिखी भी नहीं होती थीं, और वो दासी भी थी, इसलिए उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपने विद्वान पुत्र को कहीं पठन पाठन के लिए भेज पाती। लेकिन उनकी अपने पुत्र के प्रति ममता बहुत थी, वो प्यार बहुत करती थी उसको, और अपने हृदय से लगा के रखती थी और बराबर उसकी चिंता करती थी, और वो भी इस वजह से, अपने माँ की वजह से कहीं और पढ़ने के लिए जा नहीं सकता था, और जा नहीं रहा था कि नहीं तो चला जाता किसी के पास पढ़ने के लिए। तो एक दिन अनायास क्या हुआ कि जब वो शाम को उसकी माँ घर से निकल के सामने गौशाला में दूध दुहने के लिए जा रही थी, उसी समय एक सांप आया और उसने उनकी माँ के पैर में काट लिया, और जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य कुछ लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। नारद जी अनाथ हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान तो सबका जो कुछ भी करते हैं मंगल का सोच करके करते हैं, हो सकता है इसके पीछे भी कोई मंगल कामना हो ईश्वर की, हमें कुछ और अनुग्रह देना चाहते हो, कुछ और हमारे लिए करना चाहते हो, ये सोच करके वो शांत रह गए और उन्होंने उसको अपनी किस्मत मान ली और अनाथ हो गए थे वो, और वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर दिशा की ओर चलते चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको शहर भी मिल रहे थे, गाँव भी मिले, नगर मिले, सुंदर नगर मिले, बहुत से खनिजों की खाने मिली, पहाड़ मिले, पर्वत मिले, चट्टानें मिली, नदियाँ मिली, और उसके बाद उनको घने जंगल भी मिले। घने जंगल मिले जिसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, और जिनसे कि निकलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह से उनको पार करते हुए मिले। नारद जी ने सोचा, ये तो वृक्ष रात के समय तो एकदम राक्षस के जैसे दिखते होंगे, अच्छा हो कि मैं दिन में ही अपना सारा जंगल का रास्ता काट लूँ,
खैर वो रास्ते में बढ़ते जा रहे थे, तभी उनको सुंदर झीलें भी मिली, ऐसे स्थान भी मिले जो कि बहुत ही मनोरम थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ऐसे स्थान भी मिले। इन सब को पार करते हुए फिर वो एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ पर कि जैसा कि उनको भय लगा कि शायद इसमें कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो किसी की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। तो खैर वो अपने रास्ते में चलते रह गए और भूख से, प्यास से और थकान से उनका बुरा हाल हो रहा था। और तो उसी बीच में उनको एक जलकुंड दिखाई दिया। उस जलकुंड के पास वो पहुँचे, उन्होंने उसमें स्नान किया, उसके बाद ध्यान किया, पूजन किया, जैसे भी किया, और जो भी रूखा सूखा था वो उन्होंने अपने पेट में डाला, उसके बाद जल पिया तो चित्त थोड़ा शांत हुआ। और वो एक पीपल के वृक्ष में, वृक्ष के नीचे नीचे बैठ करके वो भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने हृदय, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। वो प्रभु के चरणों में ध्यान, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया ही था उनको, कि उनके उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके हृदय में भगवान उतर आए हैं। एक ऐसा दृश्य उन्होंने देखा अप्रतिम, कि उनका रोम रोम जो था चमत्कार से भर उठा, रोम रोम खुशी से भर चुका, और वो कुछ समझ पाते इसके पहले ही वो दृश्य गायब हो गया। वो भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सके, लेकिन वो दृश्य जो उनके सामने भगवान ने अपनी लीला प्रस्तुत की थी वो गायब हो गई। उस समय तो एकदम वो बहुत अति प्रशंसा से भर गए, जितने भी उनके माँ वगैरह का शोक था वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो गए तो वो भगवान के को पाने के लिए पागल हो गए। वो पागलों के तरह इधर उधर घूमने लगे, कहने लगे मैं तो भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पाया, भगवान आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इस तरह करके वो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे। खैर भगवान तो कहीं दिखे नहीं, लेकिन तभी उनको कहीं से एक बहुत ही धीर गंभीर और मधुर वाणी सुनाई दी, मधुर वाणी सुनाई दी। और उसमें जो वाणी थी वो ये कह रही थी कि खेद है कि इस जन्म में तुम अब दोबारा मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, तुम चूंकि बालक हो और निश्चल हो इसलिए मैंने तुम्हारे हृदय में इस दृश्य को अपने को दर्शन कराए हैं, और तुम्हारे हृदय में मैंने मुझको पाने की इच्छा जागृत कर दी है। अगर ये इच्छा जागृत रहेगी तो जब समय आएगा तो मैं तुमको दर्शन दूंगा। मेरे ये वाले दर्शन जो बहुत योगी और मुनि लोग होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी भी कुछ ना कुछ वासनाएं होती हैं, जब तक वो कोई भी व्यक्ति वासनाओं में लिप्त रहता है, जब तक वो वासना मुक्त नहीं होता है तब तक भगवान को उसके दर्शन नहीं होते हैं, ऐसा भगवान ने उनसे कहा। वासनाओं से यहाँ आशय हर तरह की वासना से है, जैसे कि उसको एक वासना है कि उसको खाना चाहिए, वासना है कि उसको पीना भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, पीने की वासना है, वो अपनी प्यास को नहीं रोक सकता है, सोने के लिए उसको खटिया चाहिए अच्छी सोने के लिए, झोपड़ी चाहिए कम से कम रहने के लिए। तो जब तक वो एकदम भगवान के अधीन नहीं हो जाता है, सब कुछ हर मोह और लोभ मोह इन सब से मुक्त हो जाता है, ना उसको प्रसन्नता का आभास होता है, ना उसको शोक का आभास होता है, उस समय वो भगवान के दर्शन उसी को होते हैं। इसलिए वीतरागी को एक होता है जिसको कि भगवान ऐसे दर्शन दिए, ऐसे देते हैं। भगवान ने उनको ये क्या, उनको कहा कि चूंकि बालक हो, तुम्हारा चित्त साफ है और तुम्हारे मन में तुम एकाग्रता है, तुमने मुझको याद किया है इसलिए मैंने तुम्हारे हृदय में इच्छा जागृत कर दी है, और अब जब भी समय मिलेगा तो मैं तुमको इस जन्म में तो नहीं, तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उस अगले जन्म में दर्शन दूंगा, लेकिन ये बात ये होगा कि जब भी कभी प्रलय हो जाएगी, चाहे प्रलय भी हो जाए उसके बाद तुम्हारा जन्म हो, तब भी तुम्हारी जो है स्मृति नष्ट नहीं होगी, तुमको सब कुछ याद रहेगा। तो जैसा कि व्यास जी आपने मुझसे ये पूछा कि आखिर मुझे पूर्व जन्म की बातें कैसे याद हैं, तो बोली ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, ये भगवान का दिया हुआ एक विलक्षण गुण है जो उन्होंने मुझको दिया है, और उसके बाद मैंने भगवान को मन ही मन, उसके बाद वो जो आकाशवाणी हुई थी वो शांत हो गई और उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, जमीन पर लेट के किया और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए
वो इधर उधर अपने फिर मस्त घूमने लगे। कुछ बीत समय बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया अचानक कि उनको लगा कि अब मेरी मृत्यु आ गई है, मृत्यु आ गई है, मृत्यु आई और ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर नष्ट हो गया। जैसे ही नष्ट हुआ तो इसमें जो भगवान का अंश था वो निकल के बाहर चला गया। जब नारद जी ने आगे बताया कि जब कालकांत होने लगा तो भगवान कालकांत हुआ, उन्होंने सब जगह प्रलय अलय कर दी, सब कुछ कर दिया, ये सब सोच लिया, बोले अब हम सोने जा रहे हैं। तो वो क्या है कि क्षीर सागर में अपने सोने के लिए जाने लगे और दीर्घ निद्रा में जब जाने का शयन हुआ उस समय वो वहाँ पर शयन करने के लिए चले गए। लेकिन ये भगवान का अंश तो सभी हरेक में है, इनमें भी था, भगवान का विशेष प्रेम इनको प्राप्त था। उसी समय ब्रह्मा जी ने भी कहा कि सारी सृष्टि समेट ली, उनका भी हुआ कि अब मैं भी कोई काम नहीं करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा। उन्होंने भी सारी सृष्टि समेट ली और उन्होंने कहा कि मैं भगवान के हृदय में जा करके विश्राम करूँगा। तो जो ब्रह्मा जी थे वो उनके हृदय में प्रवेश करके सोने के लिए जाने लगे। उसी समय ये नारद मुनि भी भगवान की नासिका से उन्होंने सांस जैसे अंदर खींची तो वो उनके हृदय में चले गए। एक सहस्त्र चतुर्युग वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी की नींद खुली। हजारों साल का उनकी निद्रा थी, उसके बाद खुली जब, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो फिर से सृष्टि की रचना की जाए। जब उन्होंने सृष्टि की रचना करने के लिए कि फिर वो भगवान के हृदय से बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने शुरुआत में कुछ ऋषियों को जन्म दिया। अपने अंगों से उन्होंने मारीच आदि ऋषियों का, जैसा कि भागवत कथा में वर्णन किया गया है कि मारीच आदि ऋषियों का को उन्होंने उत्पन्न किया। उसी के साथ नारद जी की भी उत्पत्ति हो गई। बोले जब मेरी उत्पत्ति हो गई उसी समय से मैं, मेरे पास एक वीणा है ये, और वीणा में जो हैं तार हैं कुछ, और इसमें ब्रह्म स्वर है। इस ब्रह्म स्वर को मैं बजाता रहता हूँ, भगवान का की लीलाओं का वर्णन करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, भगवान का गाना की को याद करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में मैं घूमता रहता हूँ। तो ये तो मेरे पिछले जन्म का ये है कि इस तरह से मुझे सब स्मृति रहती है। ये बात उन्होंने जो व्यास जी ने पूछी थी स्पष्ट कर दी। भागवत में भगवान के नाम के कीर्तन का बहुत ही महत्व बताया गया है कि भगवान का कीर्तन जो है भविष्य है, चाहे वो संवेद लोग मिलकर करें, संवेद स्वरों में करें, कई लोग इकट्ठे हो जाएं फिर बैठ कर ढोलक मजीरा ये वो करते हुए भगवान का नाम लें, जय श्री, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव, जय वासुदेव, जय वासुदेव, जिस तरह से भी वो भगवान का नाम लेना चाहें लें, या अकेले में भी ले सकते हैं। जो ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म स्वरों का जो ऊपर अभी मैंने इससे पहले वर्णन किया था, तो उसमें जो वो ब्रह्म स्वर हैं वो क्या हैं, वो सात हैं। षडज है, ऋषभ है, गांधार है, पंचम है, दैवत है और निषाद है। ये सात स्वर हैं जिन सात स्वरों से ही संगीत का निर्माण होता है और उसी संगीत से कीर्तन बनता है। जितना भी संगीत है, अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत हो चाहे कोई भी संगीत हो, इन्हीं सात सुरों के ऊपर ही आधारित है और ये ब्रह्मा जी के गले से सर्वप्रथम निकले हैं। और इसी तरह से ये जो सारे गामा पाधानी होता है उनके ये विस्तृत बढ़ाए हुए नाम हैं। तो संगीत का बहुत महत्व है। भगवान के भजन पूजन के लिए आप संगीत का सहारा ले सकते हैं, आप संगीत को सुन भी सकते हैं और भगवत भजन करते हुए जोर से उच्च स्वर में गा भी सकते हैं। जिस समय आप मन लगा करके गाएंगे तो जो कीर्तन में आपको आनंद होगा ये तो आप ही वही व्यक्ति महसूस करेगा जिसको आनंद होगा। जिसको आनंद नहीं होगा वो उसको महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए आप कीर्तन भी कीजिए, भले ही 2 घंटे का समय निकालिए, 1 घंटे का निकालिए, रात्रि में सोने से पहले कीजिए,
कुछ मंदिर में जाके कीजिए जहाँ पर, अगर मंदिर में आपको अच्छा नहीं लगता है तो बाहर कहीं बाहर कीजिए, अकेले में कीजिए। मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। मैंने भी जब से संगीत के द्वारा ये संगीत का अभ्यास शुरू किया, तो संगीत के अभ्यास में जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत का अभ्यास होता है उसमें अक्सर तक जो बंदिशें होती हैं ये सब ईश्वर के नाम के साथ ही शुरू होती हैं, तो उसमें अप्रतिम आनंद की प्राप्ति होती हुई मुझे। दो दो तीन तीन चार चार घंटे कब बीत जाते हैं अभ्यास में पता ही नहीं चलता है। तो हम इसके साथ आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये आप हमें ज़रूर बताइएगा अपनी टिप्पणियों से, अपने कमेंट से, और अपने अवश्य दीजिएगा अपने सुझाव, हमको प्रेषित करते रहिएगा। और इस कथा का प्रचार और प्रसार के लिए वीडियो को अपने साथियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। इसके बाद की जो कथा है, हम इसके बाद जो हम कथा सुनाएंगे, जो अगले वीडियो की कथा होगी, कि उसमें यह है कि भगवान ने किस प्रकार से अश्वत्थामा का मान मर्दन किया था। अश्वत्थामा को बहुत घमंड था, उसने कहीं से भगवान से, भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर लिया था अमर होने का, और उसी अमरता के कारण उसको ये भरोसा था कि मैं तो दुनिया में मरूंगा नहीं, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, जब चाहे तब मार जा करके। तो किस प्रकार से भगवान ने इसका मान मर्दन किया, उसके पश्चात जब उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी एक साथ चुपके से रात्रि के समय उसने, तो अगले वीडियो में हम इस कथा का वर्णन करेंगे कि अश्वत्थामा का मान मर्दन किस प्रकार से घमंड उन्होंने चूर किया, उसके पिता के सामने किया। उसके पिता द्रोणाचार्य जी थे, द्रोणाचार्य जी उनके पुत्र थे, लेकिन उसके गर्व के कारण ही द्रोणाचार्य ने कुछ शिक्षाएं ऐसी थीं जो कि उन्होंने अर्जुन को तो दी थी लेकिन अपने पुत्र को नहीं दी थी। उन्होंने कहा था ऐसा क्यों किया, जब उसने उन्होंने बताया था कि तुम उसके लिए सुपात्र नहीं हो, शिक्षा उसी को दी जाती है जो उसके लिए पात्र होता है, दान उसी को दिया जाता है जो उसके लिए पात्र होता है। कुपात्र को शिक्षा या वस्त्र आदि का दान, जिसको जरूरत ही नहीं है उसको देने से क्या फ़ायदा। किसी जानवर को तुम कपड़े पहनने के लिए सूट दे दो तो उसके लिए किस काम के, बेकार हो जाएंगे, तो कुपात्र हो गया। उसको तो रोटी चाहिए, कुत्ते को तो देना है तो रोटी का दान देना है, अगर कोई भूखा आदमी उसको खाने का दान देना है, उसको तुम स्वर्ण आभूषण दे दोगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से हम अगले सेशन में आपको यही कथा सुनाएंगे, और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना की चेतावनी हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी दे दी है, अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। कथा के अंत में हम के बाद मैं तो ये कीर्तन नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैंने तो वीडियो बनाए हैं और आप लोगों की सुगमता के लिए ये मैंने छोटे छोटे वीडियो में और कथा को शॉर्ट में करके उसकी पट कथा बना करके उसके जो मुख्य अंश हैं उनको निकाल के आपके सामने रखा है, और इसी के अंत में आप इस प्रकार से चाहें तो कीर्तन कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से संकीर्तन आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रभु के चरण में चलते हैं, उनके याद करते हैं, और इसी प्रकार आज के लिए आज मुझे विदा दीजिए। इसी के साथ नमस्कार, कल फिर मिलेंगे या अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे की चर्चा आगे करेंगे। ठीक, नमस्कार, शुभ रात्रि।